एक पैसे से 1 करोड़ 1 महीने में पॉसिबल है। कंपाउंडिंग जिसका यूज करके वॉरेन बफेट ने अपनी नेटवर्थ 6.5 लाख करोड़ बनाई, वो भी बिना कुछ अलग किए। अलग मींस जैसे कि इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाया, स्पेसएक्स बनाया, बिल गेट्स क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट, बट वॉरेन बफेट ने कुछ अलग नहीं बनाया, फिर भी उन्होंने अपनी नेटवर्थ 6.5 लाख करोड़ क्रिएट करी, वो भी सिर्फ कंपाउंडिंग का यूज करके। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, आप समझ जाओगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और आप कैसे इसका यूज करके खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मेरा नाम है विनिल और मैं इस चैनल पर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे रखो, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है ढोलू एंड एक का नाम रहता है भोलू। दोनों भी एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं, और दोनों के पास सैलरी के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 1 मंथ की सैलरी 10 लाख लेना, और ऑप्शन नंबर 2, 1 दिन की सैलरी 1 पैसा लेना, जो कि हर दिन डबल होते जाएगा। मीन्स डे 1 में 1 पैसा, डे 2 में 2 पैसा, एंड डे 3 में 4 पैसा, एंड आगे वो डबल होते जाएगा। तो ढोलू चूज करता है फर्स्ट, मीन्स 10 लाख रुपए 1 महीने की सैलरी, और भोलू जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, वो चूज करता है ऑप्शन 2, मीन्स 1 पैसा पर डे और जो हर दिन डबल होते जाएगा। तो जब 1 महीने बाद दोनों अपनी सैलरी लेने जाते हैं तो ढोलू को मिलते हैं 10 लाख, क्योंकि उसने वो चूज किया था, और भोलू को मिलते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा, बस उसकी सैलरी रोज डबल हो रही थी। और भोलू को कैसे 1 करोड़ सैलरी मिली आप देख सकते हो इस चार्ट में। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कंपाउंडिंग ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अब बात आती है कि इसे हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। अरे हाँ, मैंने कल ही ये बुक मंगवाई है, आप भी मंगवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड इसकी समरी जल्द ही चैनल पर आने वाली है। तो रियल लाइफ में कंपाउंडिंग का यूज समझने के लिए हम फिर से 2 लोग लेंगे, एक का नाम है नमन और एक का नाम है चमन। चमन की एज है 20, यानी कि मेरे इतना, एंड नमन की एज है 30। इंडिया में एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न 17% है, बट इस एग्जांपल में हम उसे 15% कंसिडर करेंगे। तो चमन की अर्निंग स्टार्ट होगी 22 की एज में, तो चमन ये खुद के लिए करेगा, और नमन खुद के रिटायरमेंट के लिए भी कर सकता है या फिर अपने बच्चों के लिए भी कर सकता है। तो एट द एज ऑफ 22 चमन एंड एट द एज ऑफ 30 नमन दोनों अगर 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक, एंड अगले 10 साल उन्हें ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं, तो एट द एज ऑफ 42 चमन के पास एंड एट द एज ऑफ 50 नमन के पास दोनों के पास होंगे 61.86 लाख रुपीज, जो कि वो दोनों मिलके भी शायद सेव नहीं कर पाते। बट अगर नमन सर मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं एंड वो अगर उनके पास सेविंग है 5 लाख रुपीज, एंड अगर वो 5 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट करते हैं एंड 5,000 रुपीज पर मंथ 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, एंड अगले 10 साल उन्हें ग्रो होने छोड़ देते हैं, तो एट द एज ऑफ 50 मीन्स 20 साल के बाद उनके पास टोटल अमाउंट होगा 1.6 करोड़ रुपीज, जो कि शायद नमन की पूरी फैमिली में किसी ने नहीं सोचा होगा। एंड जो लोग 5,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक स्पेशल अलग वीडियो लाने वाला हूँ, तो बस चैनल पर बने रहो। एंड हो सकता है ये सब आपको बहुत फास्ट लग रहा है, तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर सब पूछ सकते हो, बट वीडियो बड़ा हो गया तो आप खुद देखते नहीं हो, इसीलिए मैंने सब कुछ बहुत फास्ट एंड शॉर्ट में बताया है। तो अब है केस 2। तो क्या हुआ, नमन और चमन दोनों मेरे पास आए और बोलने लगे कि हम 5,000 रुपीज पर मंथ हम 10 साल तक नहीं 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे, तो क्या होगा। तो अगर नमन एंड चमन दोनों सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं एंड 5 साल उसे ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं, तो दोनों के पास टोटल अमाउंट आफ्टर 25 ईयर्स होगा 1.6 करोड़ रुपए, एंड उसके बदले में उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, जो कि एक कार मेंटेनेंस से भी बहुत कम है। एंड वही अगर नमन सर आज 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं एंड 5,000 रुपीज पर मंथ 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं एंड 5 साल उन्हें ग्रो होने के लिए रख देते हैं, तो आफ्टर 25 ईयर्स मीन्स नमन सर की एट द एज ऑफ 55 में नमन सर के पास टोटल अमाउंट होगा वो होगा 3.67 करोड़ रुपीज। आई होप आप कंपाउंडिंग की पावर समझ चुके हो एंड रियल लाइफ में कंपाउंडिंग का यूज कैसे करना है वो भी समझ चुके हो।
तो ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर जिनको आप बहुत पसंद करते हो उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे वो अपनी लाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सके। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, अगर अर्जेंट हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर उस पर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।